नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आज पहुंचा है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक सेमिनार लगा हुआ है। इस सेमिनार में भारत के हर कोने से पहुंचे हैं वक्ता, जिन्होंने अंबेडकर की विचारधारा को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश दिया। कहा, बाबा साहेब ने जो किया है आज वो इतिहास गवाह है। इतिहास के पन्नों को अगर उठाकर देखें, बाबा साहेब ने भारत देश को आगे लेकर आने का कार्य किया है, दबे कुचले समाज को जगाने का काम किया है। उनकी विचारधारा भारत के उस हर एक नागरिक के लिए थी जो शोषण का शिकार था, जो दबा कुचला समाज इस देश में रहता था। इस प्रकार की विचारधारा को लेकर आज इंटरनेशनल एक सेमिनार कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में रखा गया। जानकारी लेंगे कि क्या सोच रखते हैं, क्या संदेश अपने देशवासियों के लिए वो देना चाहते हैं, और इस सेमिनार में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, और कौन सी बातें हैं जिनसे आज हम बहुत दूर हैं। जानकारी लेंगे इंटरनेशनल अंबेडकर सेमिनार की, और यहां पर पहुंचे भारत के हर कोने से जो वक्ता हैं, उनकी विचारधारा से मुलाकात कराएंगे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में पहुंचा है, जहां पर अंबेडकर जी की विचारधारा पर एक सेमिनार रखा गया, और यहां पर क्या विचारधारा रही वो जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी, डिप्टी डायरेक्टर जी, अंबेडकर स्टडी सेंटर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा। हमने 7 और 8 नवंबर 2019 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का विषय है डॉक्टर अंबेडकर विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें लगभग 250 शोधार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, और नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से 100 पर्सन आए। उद्घाटन सत्र वाइस चांसलर हमारे कुलपति विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैलाश शर्मा जी ने किया, और साथ में जो चीफ गेस्ट थे वो ICSSR के न्यू दिल्ली के प्रोफेसर वीके मल्होत्रा जी थे। उद्देश्य क्या था सर? उद्देश्य इस सेमिनार का उद्देश्य यह था कि बाबा साहब की विचारधारा को, जो उनकी सोसाइटी और इकोनॉमी को रिफॉर्मेशन करने की जो विचारधारा थी जी, उसको नई पीढ़ी को पता चले, ताकि भारत के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में वो बेहतर भूमिका निभा सकें। थैंक यू। अभी हम बात करेंगे डॉक्टर कौशल से, जो कि आज अंबेडकर विजन को लेकर कार्य कर रहे हैं, और उनकी क्या विचारधारा है इस विषय को लेकर, और जो यूनिवर्सिटी में सेमिनार रखा गया इसमें क्या वो संदेश देना चाहते थे। तो मुलाकात करते हैं डॉक्टर कौशल जी से। मैम, बताना चाहेंगे कि आज जो आपने ये सेमिनार रखा है, इस सेमिनार में क्या जन संदेश आप यहाँ पर देने के लिए आए? देखिए, मैंने सेमिनार नहीं रखा, मैं तो यहाँ रिसोर्स पर्सन के रूप में, डॉक्टर अजय और जो अंबेडकर स्टडी डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज ए रिसोर्स पर्सन। और मैं संदेश बस ये देना चाहती हूँ इस सेमिनार के माध्यम से, इंटरनेशनल सेमिनार है, आज की जो स्थितियाँ हैं हमारी, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो पहले जो प्रासंगिक तो थे ही, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के माध्यम से रिजर्वेशन को एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से खत्म किया जा रहा है, हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स थे उन सेक्टर्स को बेचा जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वो डिप्राइड सेक्शन होगा, दलित सेक्शन होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन हमारा था, जिसको आप आज आपने रिजर्वेशन बनाया हुआ है, मैं उसको रिप्रेजेंटेशन बोल रही हूँ, जो रिप्रेजेंटेशन था वो अगर प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है तो रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ को अगर बेच दिया जाएगा, प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा,
जाएगा इंडस्ट्री के बाद, मैंने कहा ना इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इन द सेंस यूजीसी एमएचआरडी अपनी जो जो राज्य की जो कल्याणकारी अवधारणा है उस अवधारणा से पीछे हट रही है। वो यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेजेस को ये कह रही हैं कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है आपको, अगर आपको और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में, तो आप लोन लीजिए, हैफा के अंदर आप लोन लीजिए, और वो लोन लेंगे तो आपको वो चुकता भी करना पड़ेगा। फैक्ट इज़ दैट अगर आप लोन लेते हैं और चुकता करना पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी कहाँ से चुकता करेगी? जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर को बढ़ाएगी, ऐसे कोर्सेज लेके आएगी जो ह्यूमैनिटीज़ के नहीं होंगे, ऐसे कोर्सेज लेके आएगी जो बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे जिनकी फीस लाखों में होंगी। हम जानते हैं हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, बड़ी इन द सेंस वो बड़ी नहीं है, बड़ी तो दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी है जो 90 मतलब अंग्रेजों से भी पहले की थी, बड़ी यूनिवर्सिटी तो दूसरी हैं, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको चला रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में जो आप प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा प्रोफेशनल है, उसमें लाखों की फीस है, तो आप ये देखिए उसमें एससी एसटी स्टूडेंट्स कैसे पढ़ पाएंगे। जो हमारे लोग आज रिजर्वेशन के माध्यम से जो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचे हैं, एजुकेशन हासिल की है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इम्पोर्टेंट इज दैट रेलिवेंस ऑफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एंसेंट पीरियड। एंसेंट इन दिस इज दैट टाइम वन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वॉज बोर्न एंड स्ट्रगलिंग द ह्यूमैनिटीज फॉर दलित्स, फॉर नेशन ऑफ द इंडिया एंड इंटायर, ही वॉन्टेड टू चेंज द इंटायर सोशियो कल्चरल डिप्रेशन ऑफ दलित कम्युनिटीज। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, उनकी आज भी ज़्यादा जरूरत है, उसे कंटेक्स्ट में समझने की जरूरत है, और ये जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेमिनार हुए हैं ऐसे सेमिनारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस रूप में भी कहूँगी क्योंकि मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ और मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज। आज मैं यहाँ एक बोलने के लिए नहीं आई बल्कि मुझे आज ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। तो वो जो यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट का जो एक संबंध होता है, जो इमोशनल संबंध होता है, जो एक भावनात्मक लगाव जो यूनिवर्सिटीज़ में रहता है, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ले जाएंगे, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज को जिसकी हाई फीस होगी वो ले जाएंगे, तो ये इमोशनल रिलेशन खत्म हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना। दूसरा मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ, आज देखा जा रहा है कि बाबा साहब की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा तोड़ी जा रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए ये बचकाना हरकत है, क्योंकि आप विचारों के माध्यम से आप उसकी आलोचना नहीं कर पा रहे, विचारों के माध्यम से आप उसको मतलब कम नहीं आंकना आंक सकते, तो आपने आप किस पे बदला उतारेंगे? आप मूर्तियों को तोड़ के उतारेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो इस बात का गर्व होता है, बल्कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की कोई मूर्ति टूटती है तो हम ये समझते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज भी उनके लिए इतने ही सिरदर्द बने हुए हैं कि उनकी मूर्तियों को बक्सा नहीं जा रहा। तो हमें तो विचार है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, और वो विचार तो पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी और हम जिंदा रखेंगे।